अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? मैं दुआ करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक हो, खुश हो, मज़े में हो। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चलें आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग भी आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं आज बाज़ार, सारे काम साथ साथ ही हैं। और शॉपिंग जो है वो शादी वाला घर है तो काफ़ी बिज़ी हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी पर्सन ने अपनी अपनी शॉपिंग करनी होती है। समटा हम ऐसा प्रोग्राम बना लेते हैं कि एक जगह ही, जैसे कि चूड़ियाँ एक ही बाज़ार से हम लोगों ने सोचा ले लें, ज्वेलरी भी हम लोगों ने मिलके ही एक ही बाज़ार से डिसाइड कर ली थी कि वहाँ से चूज़ कर लेंगे। और अगर कोई चीज़ किसी को पसंद आ जाती है तो वो दूसरे को बता देता है, तो काफ़ी आसानी हो जाती है कि वहाँ पर ही चीज़ पड़ी हुई है। क्योंकि डिफरेंट बाज़ारों में फिरने से बेटर होता है कि आप एक दूसरे से मशवरा कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। हमारे लिए, हमारे साथ वैसे ही है कि हम एक दूसरे को बता देते हैं कि यार ये तुम्हारे टेस्ट की चीज़ वहाँ आई हुई है। तो टेस्ट से याद आया कि यहाँ पर हम लोगों ने आज बाज़ार में पिज़्ज़ा इंजॉय किया था, थक गए थे बहुत ज़्यादा, तो फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और बहुत टेस्टी था ये पैन पिज़्ज़ा। क्योंकि पाकिस्तान के जो पिज़्ज़ा है ना वो यहाँ के पिज़्ज़ा से बिल्कुल डिफरेंट है और मुझे तो बहुत मज़ा आया था खाकर। तो इसके बाद ये वाला जो क्लिप है, यहाँ पर हम लोग जा रहे थे, आज अपनी अम्मी की तरफ मैं जा रही हूँ। और अम्मी की तरफ जब से मैं आई हूँ तो मैं शायद सेकंड टाइम जो है वो जा रही हूँ यहाँ पे। आज अम्मी की तरफ जो थी, हम जब आए हैं तो काफ़ी बारिश हो रही थी, सुबह का टाइम है। इसके बाद ये घंटा डेढ़ घंटा बारिश हुई थी, उसके बाद ख़त्म हो गई थी। आज हम लोगों ने जाना भी था, मैंने और मेरी सिस्टर ने और मेरे भनोइयाँ, वो जा रहे हैं शौकत आनम हॉस्पिटल। तो जहाँ इंसान के साथ खुशी हैं और परेशानियाँ भी उसके साथ साथ आती हैं। तो मेरी सिस्टर जो है मुझसे बड़ी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनके कुछ टेस्ट डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि शौकत आनम से करवाने, तो हम लोग वहाँ आए हैं। काफ़ी परेशानी की बात है क्योंकि आपको पता है शौकत आनम से डॉक्टर किसी ना किसी रीज़न की वजह से ही, मेजर रीज़न होती तो वहाँ से तब भी टेस्ट कहते हैं करवाने के लिए। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे और हमारी ये जो परेशानी आई है ये दूर हो जाए। तो इंशाल्लाह ताला अगर कुछ मसला हुआ तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और बार फिर भी आप लोगों ने दुआ में मेरी सिस्टर को ज़रूर याद रखना है। और उसके से ही रिलेटेड अपनी बहन की सेहत तंदुरुस्ती के लिए ही हम लोगों ने ये 1.25 लाख आयत करीमे का हतम दिलाना का सोचा था। तो यहाँ पर आज आयत करीमे का हतम दिलाया जा रहा है। 1.25 लाख मरतबा हम जो आयत करीमा पढ़ा रहे हैं, ये मुश्किलों और परेशानियों को दूर करने के लिए, आप सबको पता है कि बहुत बड़ी मंजिल है, उसके लिए हम लोगों ने जो है कुरान हाफिज़ा ये बची हैं, एक मदरसे से हम लोगों ने बुलवाई हैं। और हम सब फैमिली मेंबर्स भी हैं, सारी सिस्टर्स हैं, बहनोई हैं, बच्चे हैं और अम्मी अब्बू हैं, हम सब ने मिलकर इस महफिल का तमाम किया है। और आप सब भी इस महफिल से खूब इंजॉय करेंगे, खूब आपको अच्छा लगेगा अगर आप इसको पूरा देखेंगे। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आपको दुआओं में भी शामिल रखूँ, और इस माहौल में जब आप पूरी इस वीडियो को देखेंगे तो आप ख़ुद भी अपने आप को बड़ा अच्छा महसूस होता है जब नबी पाक की और अल्लाह ताला की इस तरह की महफिलें सजाई जाती हैं, तो इंसान को बहुत सुरूर आता है। तो आगे आप, मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, कोशिश करूँगी कि आप इस मौके को इंजॉय करें। तो इंशाल्लाह ताला आगे एंड पे मिलती हूँ।
होती है खुदा को याद करने से। अल्लाह जिक्र व अज़कार की महफिल में शिरकत करने और कसरत के साथ अल्लाह अज़्ज़ा वजल का जिक्र पाक करने से माफ़रत और बख्शिश होती है। अल्लाह का जिक्र करो जो अपनी शान में बेमिसाल है। अल्लाह का जिक्र करो जो अपनी हकूमत में बेमिसाल है। अल्लाह का जिक्र करो जो अपनी ताकत में बेमिसाल है। अल्लाह का जिक्र करो जो अपने खजानों में बेमिसाल है। अल्लाह का जिक्र करो जो अपनी बुलंदियों में बेमिसाल है। अल्लाह का जिक्र करो जो अपने हुस्न व जमाल के में बेमिसाल है। कुरान पाक में है वस्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। और कसरत से अल्लाह का जिक्र करो ताकि तुम फलाह पाओ। बेनियाज इस मोहताज को याद करता है। इरशाद खुदावंदी है फस्कुरूनी अस्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। सो तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री ना करो। जिंदगी में जन्नत की सैर कायनात की हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है। सबसे आला सबसे बढ़कर रब का जिक्र करने से दुनिया में भी रहमतों की बरसात होती है और आखिरत में भी जन्नत के बगीचे नसीब होंगे। हजरत जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए और फरमाया ए लोगों फरिश्तों में से अल्लाह ताला के कुछ ऐसे लश्कर हैं जो जिक्र की महफिलों में आते हैं और वहाँ रुक जाते हैं। लिहाजा तुम जन्नत के बगीचों से खूब खाओ। करम 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 करम
Amen.
मांग सकते हो बिन मांगी अता आमीन वाले करम दा है वेला कर दे करम यतीमा दा वास्ता ही तेरे नाम लग दिए दो मीमा शना वाली मीमा दा वास्ता ही मौला अली दे लाडले हन जेड़े ना दोना करीमा दा मरती हो हमारे नबी सवा लाख आयत करीमा माशाल्लाह से ख़त्म हो चुका है, उसके बाद काफ़ी नातवानी हुई है और ज़िक्र अज़कार हुआ था, सलाम पढ़ा गया और इस वक्त जो हम लोगों ने बिरयानी की देगें पकवाई थी उसके साथ फ्रूट्स है, तो हम लोगों ने सब बॉक्सेस बनाकर फ्रूट्स और सब बच्चों को मतलब के हदिया दिया था, तो हर बच्चे का हर बच्ची का एक एक जो बैग था वो बना दिया था, तो आसानी होती है। तो माशाल्लाह इस वक्त तकरीबन 2 बजे का टाइम है और इस वक्त हम लोग सब माशाल्लाह पढ़ के फ़ारग हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग थे, कारी साहब 7 दिन के आते हैं और बिल्कुल भी बोलने देते, आप होता आइसक्रीम में बोलना भी नहीं होता, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से ये महफिल अपने अख्ताम को पहुँची है। अल्लाह ताला जिस मकसद के लिए हम लोगों ने ये 7 लाख आयत करीमा पढ़ाया है, अल्लाह ताला उस मकसद को पूरा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये ज़िंदगी के सारे हिस्से हैं, परेशानी अगर किसी चीज़ की आती है तो हमें अपने अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा होता है, उसकी उसको याद किया जाए, उसकी पाक कलाम पढ़ी जाए, तो अल्लाह ताला ज़रूर सुनते हैं। कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग कमेंट करके आपने मुझे ज़रूर बताना है, और आपको कितना अच्छा लगा नाथवानी में शामिल होकर, दुआ में शामिल होकर। जब मुश्तरका दुआ की जाती है तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करते हैं। मैं आपको कमेंट का इंतज़ार करूँगी और ये इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलती हूँ, तो आप याद रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइस।